किशनगंज नगर परिषद चुनाव के दौरान नव निर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किए जाने से नाराज दर्जनों युवाओं ने छात्र नेता इम्तियाज नसर की अगुवाई में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के पश्चिम पल्ली मदीना मार्केट से निकली पैदल मार्च पश्चिम पाली चूड़ीपट्टी बाजार चौक होते हुए शहर के गांधी चौक पहुंचकर मार्च को समाप्त किया, जहां युवाओं ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र नेता इम्तियाज नसर ने कहा कि नगर परिषद चुनाव को एक साल पूरा हो गया, चुनाव के वक्त शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने एवं होल्डिंग टैक्स में कटौती करने, रमजान नदी का सौंदर्यकरण करने सहित दर्जनों वायदे किए गए थे जो अब तक एक भी काम नहीं किया गया है। ये है कि आज से एक साल पहले हम लोग इसी दिन अपने दिल और दिमाग को शांत करके किसी के हाथ में सत्ता दिए थे, लेकिन वो सत्ता लेने के बाद मनमानी कर रहे हैं। यहाँ के जनता के साथ और नगर परिषद के लोगों के साथ बिल्कुल दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। नगर परिषद में जब वो इलेक्शन के टाइम घूम रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन जीतने के बाद वो बिल्कुल अपने वादों से मुकर रहे हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप हमारे बुजुर्ग को सुने कि उन्होंने कहा कि नगर पार्षद की तरफ से बार बार नोटिस आते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एकदम निचले दर्जे के लोग हैं। अगर रोज ना कमाएं तो घर हमारा चल नहीं सकता है, और नगर पार्षद अगर रोजाना नोटिस भेजेगा तो हमारा हाल क्या होगा। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आज विरोध किसलिए कर रहे हैं वो बताइए। आज विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक साल गुजरने के बाद भी नगर पार्षद किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। वो मझिया पुल हो या फिर झुलझुली वाला सड़क हो या यहाँ के किसी भी विकास के काम को वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम नगर पार्षद से ये मांग करते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे करके अपनी नाकामी का सबूत दीजिए। हम लोग आपका इस्तीफा को कबूल करके फिर ऐसे शख्स को चुनेंगे जो नगर को क्लीन और ग्रीन और विकास के काम में यहाँ के युवाओं के साथ मिल करके, गरीब के साथ मिल करके इंशाल्लाह काम करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अबरारुल हक। कहाँ से हैं? मझिया वकील टोला। नगर परिषद जो 22 दिसंबर 2022 को चुनाव हुआ था, और सद अध्यक्ष मोदी ने जो वादे किए थे यहाँ के गरीब जनताओं से, जो भोले वाले जनताओं से वादा किए थे, आज सर एक भी वादा पूरा नहीं किया है। चाहे मैं होल्डिंग टैक्स ले लूं, इसमें भी कोई गिरावट नहीं नजर आ रहा है। मैं रोड और नाला की बात करूं, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। शहर को क्लीन और ग्रीन करने का वादा किया था, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। आप नगर परिषद में एक वार्ड से लेकर 34 वार्ड तक आप जाके देख ले सर, जिस हाल में है नगर परिषद, जिस गंदगी में जूझ रहा है नगर परिषद, इनके जिम्मेदार नगर परिषद अध्यक्ष मोदी है। मैं कहना चाहूंगा सर, आज मझिया के पुल है, 7 साल से टूटी हुई पुल है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज वार्ड नंबर 33 जुलजुली की सड़कें हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 32 हवाई अड्डा की सड़कें हैं, पुठिया की सड़कें हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 20 फिरदो की सड़कें हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप वार्ड नंबर 9 फरिंगुड़ा की सड़कें हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बात करना चाहता हूं सर कि स्ट्रीट लाइट की बात आ जाए, मेरे शहर अंधेरे में आज है, ये अंधेरा कब बंद होगा, हमारे शहर उजाला कब होगा। इन चेयरमैन को किशनगंज के अवामों ने भोले भाले वोटों से किसी भी तरीके से आपने हासिल किया, लेकिन आप उन वादों से मुखर रहे हैं। आप कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होती है।